वो है जिंदल पॉली। अभी अनिल जी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे, एक काफ़ी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो बोले कि भसीन साहब बोले कि काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं इस समय बाजार में वैल्यूएशंस को लेके, तो हमें ऐसी कंपनीज चुननी है जहां पर वैल्यूएशंस पे हमें कन्विक्शन होना चाहिए और वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं होने चाहिए। तो जिंदल पॉली एक ऐसा स्टॉक मुझे नज़र आता है जिसका अभी प्राइस टू अर्निंग करीब 4.9 है, तो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस्ड कंपनी है। और लो पी का मतलब ये होता है, मैं दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अर्निंग्स हैं, तो प्राइस जो है वो अर्निंग्स के हिसाब से बहुत कम है और अभी बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 4400 करोड़ का है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 35 का है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो करीब 19% की प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार दिखाई है। और जो अगर आप कंपटीशन का, जो उसकी 7 कंपनीज हैं, उनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो करीब 10 से 15 की रेंज में है, तो ये काफ़ी अंडरवैल्यूड कंपनी है, बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डेट का कोई ओवरहैंग नहीं है। और एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो इसका TTM EPS जो नज़र आ रहा है अर्निंग पर शेयर, वो करीब 204 रुपये का है, तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत अपसाइड पोटेंशियल है, थोड़ा पेशेंस मांगेगा क्योंकि इस स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं होते, पर मुझे लगता है कि ये इसका जो पहला टारगेट मैं देना चाहूँगा 1500 का है, और लंबी अवधि तक अगर कोई इसको लेना चाहे तो मेरे को लगता है ये 2000 भी जा सकता है, तो यहाँ से डबल हो सकता है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है जिंदल पॉली अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए जिंदल पॉली, जिस पर खरीदारी की राय आ रही है विजय चोपड़ा साहब की तरफ से 1500 और 2000 के टारगेट्स के लिए, तो बड़े गेन्स यहां पर आ सकते हैं। और हमने बताया भी है ये सारे स्पेस पर ही पॉजिटिव व्यू है, पॉलीप्लेक्स हमारी फोकस लिस्ट में कई बार आते हुए दिखाए, जिंदल पॉली चोपड़ा साहब को पसंद है। पर अच्छी खबर